नर्मदे हर जय जोहार जय जोहार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, डीन ट्राइबल स्टडीज प्रिय प्रोफेसर बी के सामल जी, विशिष्ट अतिथि बहन सुषमा अशोक जी, संचालन कर रहे बहुत अच्छा बोल रहे लड़का संजीव पटेल, श्री संजीव पटेल और अंजलिना किस्कू, और यहाँ सामने उपस्थित हमारा परिवार। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज के दिन यहाँ एकत्र हैं जब पूरी दुनिया में मूलवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय मूलवासी दिवस की बधाई। दुनिया में यह वह समुदाय है जिसने प्रकृति के मूल तत्वों को अपने साथ रखा। मूल तत्व पांच, छिद, जल, पावक, गगन और समीर। इस धरा पर जो हम देखते हैं, जल, जीव, जंगल, जमीन और जन, इसके साथ इस समुदाय से बेहतर किसी ने समायोजन स्थापित नहीं। हमारा यह समुदाय जो परंपरागत ज्ञान है, परंपरागत कौशल है, उससे समृद्ध है। उसी परंपरागत ज्ञान, कौशल और मेधा को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूलवासी दिवस मनाएं। आप देखिए कितने सामर्थ्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि उस अंचल में रहते हैं जिसे रेवा खंड कहते हैं, और इस अंचल के निवासियों के पास दिव्य ज्ञान है। उसकी दिव्यता का एक एक करके अनुमान करें। यह वह समुदाय है अपने देश में जिसके हाथ में चुंबकीय शक्ति है और जिसके पैर में तलवे में जलाकर्षण की शक्ति है। अर्थात पहले दो विशेषता है। आप सभी अगरिया समुदाय से परिचित हैं। वह जमीन पर हाथ फेर कर बता सकते हैं कि जमीन के अंदर लौह तत्व कहाँ छिपा हुआ है। ऐसी चुंबकीय शक्ति दुनिया में किसी भी समुदाय के हाथ में नहीं। जलाकर्षण शक्ति, आप अनुमान करिए कि सारा ज्ञान तो हम आँख से, कान से और प्राप्त करते हैं और अपनी वाणी से प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास ऐसा समुदाय है और उस समुदाय में ऐसे लोग हैं जो जमीन पर घूमकर चक्कर लगाकर पैर की थाप से बता सकते हैं कि कहां पर पानी है। ऐसा अद्भुत ज्ञान तो दुनिया में किसी के पास है। वह समुदाय, इस खंड की विशेषता हुआ, वह समुदाय जिसके हाथ में औषधि आकर्षण शक्ति है और नेत्रों में औषधि पहचानने की शक्ति। जितनी वनस्पतियां हैं इस क्षेत्र में, हमारा समुदाय, बैगा समुदाय जानता है कि किस आपत्ति में किस प्रकार की औषधि है, उसे वह सुरक्षित कर सकता है। और हाथ में लेते ही उस पत्ती की शक्ति बढ़ जाती है। यह परंपरागत ज्ञान है। यह वह समुदाय है जिसके पास एक विशिष्ट मंत्र है जिसे औषधि मंत्र कहते हैं, व्याधि निवारण मंत्र कहते हैं। हम भगवान बिरसा का ध्यान करें, जिन्हें हम मानते हैं कि वो हमेशा हैं, हमेशा रहें। उनके युग को याद करें जब उन्होंने न केवल सामाजिक चेतना उत्पन्न करने का काम किया, अपितु जो विलायती शक्ति थी अंग्रेज, उनके विरुद्ध आह्वान किया और स्वयं उनके विरुद्ध खड़े हुए। युवाओं की एक फौज ही तैयार कर ली। अपने समय में वह रहस्यमय ही बने रहे। अंग्रेजी शक्ति अपनी सामर्थ्य से तो उनके पास नहीं पहुंच सकी। उनके पास वह मंत्र था। उस मंत्र की भाषा भी बाद में बेसैद कही कि अगर कोई बीमार पड़ता था और भगवान बिरसा उसके पास जाकर उसे स्पर्श करके कुछ मंत्र बोलते थे, आज तक हमारा विज्ञान उन मंत्रों को कोडिफाई नहीं करता। ऐसी विशिष्ट शक्ति
इस अंचल के बहुत सारे व्यक्तियों के पास है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल ज्ञान को अधुनातन ज्ञान से जोड़ने का विधान है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुधा कहते रहते हैं कि हमें स्थानीय के लिए मुखर होना है और जो हमारा स्थानीय ज्ञान है इसे वैश्विक बनाना है। हम आज के दिन यह संकल्प लें कि हमारे पास जो है वह दुनिया के लिए अचूबा है और हम दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास अमरकंटक, हमारे पास दुनिया का श्रेष्ठ संसार है, हमारे पास दुनिया का श्रेष्ठतम सिल्क है और श्रेष्ठतम सूत है, हमारे पास लेमन ग्रास है, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा सुगंध पौधा गुल बकावरी है, जो केवल सुगंध ही नहीं देता, जो केवल नेत्र की ज्योति ही नहीं बढ़ाता, वह शरीर में सद्गुणों का विकास करता है। ऐसा मां नर्मदा का आशीर्वाद है। हमें ज्ञान बताना है दुनिया को, इसके लिए मुखर होना है। हमें दुनिया को बताना है कि हमारे समाज की विशेषताएं क्या हैं। हमारा समाज एक संतोषी और कर्मशील समाज है, निष्कलुष निष्पाप, जिससे पाप नहीं हो सकता, जिसके अंदर कलुषता नहीं आ सकती, जो समभाव सद्भाव में विश्वास रखता है, समरस समाज की रचना में अपना योगदान करता है और जिसके पास अजस्त्र ऊर्जा का स्रोत है, जो अनथक काम करने वाला समाज है, उसे हम अपना समाज कहते हैं। इस समाज ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को और अभी बहुत कुछ इस समाज से दुनिया को मिलने वाला है। आपका जो ध्वज दिखलाई दे रहा है, हम अपने मूल परंपरा पर पुनः वापस सकते हैं। हमारे जो प्रभु हैं कृष्ण, उन्हें पीताम्बरी कहा जाता है, वो हमेशा पीला वस्त्र था। आप तो उस परंपरा को लेकर ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं कि हमारी यह परंपरा है जिसमें सभी गुणों से संपन्न हमारे भगवत नायक कृष्ण है। आपको उस परंपरा को लेकर चलते हैं जहां घरों के कोने में निरंतर ज्योति जलती है। आप तो उस परंपरा के वाहक हैं जहां नारियल का पूजन किया जाता है, जो एक ही साथ फल भी है, जल भी है, प्रसाद भी है, जटा भी है, जूट भी है। यह ज्ञान दुनिया में किसी के पास है। हमारा यह समुदाय ज्ञान को इतना आगे लेकर चलने वाला है कि हम तो पूरी दुनिया को चमत्कृत करने वाले। हमारा यह समाज वृक्ष की वंदना करता है, हमारा यह समाज धरती की वंदना करता है। आप जानते होंगे कि जब इस अंचल में कृषि कार्य आरंभ हुआ तो हम एक स्थान पर एक ही बार खेती करते थे, फिर दूसरे स्थान पर खेती करते, क्योंकि हम मानते हैं कि अधरा मेरी माँ है और माँ को हम बार बार कष्ट नहीं दे सकते। अथर्व वेद में जो लिखा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अगर उसका कहीं व्यवहार है इस दुनिया में तो यह अपने समाज के पास है। कितना महत्वपूर्ण समाज। हम मंत्रों में जो मूल मंत्र है, मूल से कितना आप जुड़े हैं, उसमें बोलते ओम वनस्पति असा, हम वनस्पति की शांति की वंदना करते हैं और हमारा यह समाज वनस्पति को कितना संरक्षित रखता है कि हम तो हर वृक्ष में अपना कोई कोई देव देखते हैं, बड़ा देव की पूजा भी करते हैं। यह हमारा समाज है। जो आरंभ में मैंने कहा, क्षेत्र जल पावक गगन धरा की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं। यही एकमात्र समाज है दुनिया का जिसने बहती हुई सरिता को कभी प्रदूषित नहीं किया। हम जल संरक्षण का महत्व जानते हैं, इसीलिए हम जब नौतपा होता है तो वंदना करते हैं कि बारिश हो, क्योंकि हम तो जल के वंदक लोग, जल ही जीवन है, यह शाश्वत सत्य अगर कहीं उद्घाटित है तो हमारे इस अंचल में और हमारे इस समाज में उद्घाटित है। वायु का जहां तक प्रश्न है, दुनिया में पूरे विज्ञान की शक्तियों को और दृष्टियों को लेकर खोजा जाए तो इस रेवा अंचल के अतिरिक्त कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वायु प्रदूषित ना हो।
कि हमारे पास वह तकनीक है, परंपरागत ज्ञान भी, कि हमारे क्षेत्र का वायु प्रदूषित नहीं है। प्रदूषण रहित वायु अगर दुनिया में कहीं है तो इस रेवा अंचल में। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास तो शुद्ध ऑक्सीजन का खजाना है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। गगन तो तब साफ दिखलाई देगा जब ये चार तत्व तीन तत्व शुद्ध रहे। जितना बेहतर तरीके से हम आसमान देखते हैं और आसमान में उड़ते हुए बादल देखते हैं, दुनिया में कहीं नहीं दिखता। आप सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि उस स्थान पर हैं जहां दुनिया के प्रमुख स्थलों की विशेषताएं एक साथ दिखलाई देती हैं। और जो विकसित समाज है, आधुनिक समाज है, सुख सुविधाओं के लिए नैनीताल, मसूरी, शिमला, मेघालय, स्विट्जरलैंड जाता है, उसे थोड़ा बादलों से मिलने का अवसर मिल जाए, उसे बर्फ दिख जाए, उसे ठंड मिल जाए। आप देखिए माँ का कितना बड़ा प्रताप और प्रसाद है। इस अंचल में एक ही साल नैनीताल, मसूरी, शिमला, मेघालय और स्विट्जरलैंड के जो भी मौसम के सद्गुण हैं, हम तो एक साथ प्राप्त करते हैं। आप बारहों महीने ठंड में हैं, आप बारहों महीने बादल के साथ चल सकते हैं। इस अंचल में बादल तो आपके साथ अटखेलियां करता है। ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं जो मूल ज्ञान है कि क्षिति और उसके बाद व्योम का सम्मान करना है। हमने सम्मान किया इसलिए उसने हमें पहचाना और हमारे पास ही बनाया उसने अपना ठिकाना और हमारे साथ चलता है। ज्ञान है और यह दुनिया को हमारी देन है, इसलिए हमें अपने मूल ज्ञान को सुरक्षित और संरक्षित रखने हुए इसे संवर्धित करना है, इसे पढ़ाना है। इस विश्वविद्यालय में मूल ज्ञान से संबंधित जितने विषय हैं उन्हें सभी पाठ्यक्रमों में समाहित किया गया है। और हमारा ध्येय है कि हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, पारिवारिक जन हैं, उनका ज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से दुनिया को मिले। हमारी जो वनस्पतियां हैं जिनसे हम निदान करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन किया जा रहा है और वैलिडेशन किया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्रमाणीकरण कर रहे हैं, प्रयोगशालाओं में उनमें तत्व क्या निहित हैं यह बता रहे हैं। और इससे पूरी दुनिया अचंभित है कि क्या एक क्षेत्र में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम दुनिया को बता रहे हैं कि जो मूल ज्ञान है इस धरा का, वह अगर कहीं सुरक्षित और संरक्षित है, जिसके ऊपर कॉलोनियल शासन का प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान बिरसा मुंडा के चलते, इस क्षेत्र के नायकों के चलते, वह रेवा खंड है जहाँ हम विदेशियों के दुष्प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। बीच बीच में कोशिशें हुई लेकिन आप जैसे भारत भक्तों ने उन कोशिशों को, हमारे पास वह क्षमता है कि घास से घरौंदा बना लें, घास से अलंकरण बना लें, पत्र से पात्र बना लें और वृक्षों की छाल से औषधि बना लें। हमारे क्षेत्र में अर्जुन का वृक्ष होता है। अर्जुन का वृक्ष हृदय रोग की सबसे अच्छी दवा अपनी छाल से देता है। हमने इस प्रकार के वृक्ष विकसित किए जिनकी छाल जीवा पर गल जाती है। दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसकी छाल हम पानी में गला सकें अथवा जीवा पर गला सकें। वह इकलौता पौधा अर्जुन है जो इस क्षेत्र में मिलता है और आपका संबंध सीधे महाभारत तक ले जाता है जिससे उनको ताकत। यह विशेषता है हमारे इस अंचल की। आपके पास अभी जो ऊपर हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उनके पास अद्भुत नृत्य संगीत कला है, वाद्य कला है, जो एक ही साथ नृत्य, वाद्य और गायन का समारोह करता है। जितनी कलाएं हैं इस दुनिया की, सकारात्मक कलाएं, सकारात्मक वृत्तियां, वह इस अंचल में है। यही मूल ज्ञान है सकारात्मकता का, जिसमें हमारे अंदर अतिथि देव भाव का भाव है।
इस समुदाय के पास कोई अतिथि आता है उसे हम देवता की तरह पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कारण हमारे अंदर कोई वर्जना नहीं है। छल कपट मुक्त समुदाय अगर कहीं है तो इस रेवाखंड में है, आप लोग हैं। अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत कौशल है। अगर कोई समुदाय खोजा जाए जिसके चेहरे पर मुस्कान है तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं वह हमारा समुदाय है, हमारा क्षेत्र है, हमारा अंचल है। दुनिया में चेहरे पर मुस्कान बहुत मुश्किल है। आज की भागती दुनिया में, तनावपूर्ण दुनिया में अगर दुर्लभ है तो मुस्कान दुर्लभ है, वह इस क्षेत्र में है। कारण यहाँ सहजता भी है, निर्बलता भी है और निष्कलुषता भी। हम जब मूलवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ मूल ज्ञान शब्द लाते हैं और प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करने की बात। हमने दुनिया को बहुत कुछ देने की सामर्थ्य अपने पास रखी है। हमारे पास वह ज्ञान है कि बता सकते हैं कि कौन सी बूटी है वृक्षों के नीचे कंद के रूप में, जिसको खाने से दीर्घ जीविता की प्राप्त। कंद जिसे कहते हैं, मूल जिसे कहते हैं। अभी इस ज्ञान को हमारे भाइयों ने बाहर नहीं लाया, मुझे उसकी जानकारी है और आने वाले दिनों में हमारा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के कंद और मूल पर काम करने वाला है, जिससे दीर्घ जीविता आती है और नैरोग्यता की प्राप्ति हो। ये इस अंचल में क्या नहीं है, इस अंचल में पूरे देश में गोपालन का अभियान चल रहा है। अगर देसी गाय की प्रजाति कहीं सुरक्षित और विकसित हो रही है तो इस क्षेत्र में। हमारा मूल सनातन धर्म क्या कहता है, गो पूजा का संदेश देता है। अगर कहीं गोपालन है, देसी गायों की उपस्थिति है इस क्षेत्र में। आप सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं, हम धरती को भी माता कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं और जो हमारी जननी है, जन्म देती है, उसे माता कहते हैं और अपने राष्ट्र को माता कहते हैं। इन चार माताओं का सम्मान और इनका ध्यान और इनके बारे में ज्ञान अगर कहीं है इस रेवा अंचल में। आज हम मूलवासी दिवस मना रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, जिनसे हमारी रचना हुई है, उन्हें हम सुरक्षित रखें, उन्हें हम सम्मान दें। इसलिए कोई भी हमारा प्रमुख पर्व हो, संतान की प्राप्ति हो, विवाह हो, उस दिन जरूर एक पौधा हम सरिता को तो आप लोगों ने स्वच्छ रखा है, इतना तो दुनिया में कहीं स्वच्छता मैंने नहीं देखी। यह वह अंचल है जहाँ सात स्तरों पर माँ नर्मदा का प्रवाह होता है। एक स्तर सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय के पास भी है, जिसे आपने कुल गीत में गुप्त नर्मदा के रूप में देखा हो। इस अंचल को माँ ने बहुत कुछ दिया, तकनीकी का ज्ञान, वैयक्तिक कुशलता का ज्ञान, शास्त्र समन्वय का ज्ञान और सर्वोपरि अपने और अपनों को जोड़े रखने का ज्ञान इस क्षेत्र के पास। इस क्षेत्र में होना और आपके बीच में होना यह सौभाग्य की बात है। अब जरूरत है कि हम अपने पुरातन ज्ञान को अधुनातन ज्ञान से जोड़ें, अपने परिवार में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें, कृषि की उन्नत तकनीक को अपनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं और जो भारत माता के भाव को ऊंचा करने का भाव है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत की बूंदें तो इस क्षेत्र में हैं। इन बूंदों को व्यवहार में उतारें और अपने व्यवहार के अमृत से दुनिया को सराबोर करें। आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और माँ नर्मदा से प्रार्थना कि आपका भविष्य उज्जवल हो और वर्तमान निष्कंटक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके